हो गया देखो, अब घर जाने का मन कर रहा है। गाइस मैं आ गई हूँ दुकान। तो ये मेरा न्यू पावर बैंक, ये चाहिए। को छोड़ के क्यों जा रहे हो आप? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। गाइज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है, तो मैं अभी व्लॉग बनाना सीख रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके? तो गाइज मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ पानी पी के, गर्म। और गर्म पानी के साथ मुझे किसी ने बताया है कि भाई नारियल पानी पीने से पिंपल्स ठीक होते हैं। भाई मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए, तो मैंने सडनली कल से नारियल पानी पीना स्टार्ट किया है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी नारियल पानी पी के। तो आइए आप भी वैसा नारियल पानी पीजिए। और फिर आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बेबो की प्यारी प्यारी मस्ती दिखाऊंगी कि वो पूरा दिन में क्या करती है। तो आइए आइए। गुड मॉर्निंग बेबो। बेबो बेबो क्या हो गया हाथों में? क्या कर रहे हो ये सुबह सुबह? बेबो गाइस, बेबो के हाथों में पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ऐसे ही कर रही है। आज ये उठ भी जल्दी गई है, वरना ये 2 बजे से पहले नहीं उठती लड़की। आज मैंने सोचा ये उठ गई है तो ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो पर पता नहीं इसके हाथों में क्या हो गया ये। अभी मैं चेक करती हूँ इसके हाथों में क्या प्रॉब्लम है। बेबो क्या हुआ है हाथों में? तो गाइज मेरा गर्म पानी हो गया और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और ये बेबो कह रही है मम्मा मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हो आप? बेबो तू कभी मेरे को चाय पिलाती है? पिलाती है कभी चाय? गाइज देख रहे हो कितनी आलसी है ये, इसकी नींद नहीं खुलती, 2-3 बजे से पहले नहीं उठती है लड़की। और जब तक कैमरा चलेगा कैमरे में घूरना भी होता है इसको, इसको पता होता है इसकी वीडियो बन रही है। बहुत स्मार्ट गर्ल है ये, बहुत स्मार्ट गर्ल। चल चाय बनाए, बनाए चाय बता दे। चलो चाय बनाते हैं, चलो गाइस चाय पिलाते हैं आपको बढ़िया सी, है ना? क्या हो गया गाइस? हल्की सी भी आवाज आती है तो इसके ड्रामे ऐसे शुरू हो जाते हैं, हल्की सी आवाज में भौंक रही है ये। चलो बेड साफ कर दो, एक काम करो बेबो मैं चाय बना के आती हूँ, तुम बेड साफ कर दो, ठीक है? कर दोगी ना? कर दोगी? यही बनेगी गुंडी हमारे घर में, यही गुंडी बन देगी, चौधराई नहीं यहाँ की। सच में चाय बना क्या मेरे लिए? चाय बना क्या? चाय बेबो मैं जा रही हूँ, भाई मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बेबो ऐसे पूरे दिन नहीं भोगती है, बिना मतलब भोगती है कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और बाहर जाने में इसको डर लगता है अकेले, मैं जाऊंगी तो ये साथ साथ जाएगी। चल चल फिर चल हट। बेबो बेबो अच्छा जी ये चाहिए, ये तेरी है? ये किसकी है? किसकी कैच आती है? कैच करनी कुछ नहीं आता तेरे को, मस्ती करनी आती है बस पूरा दिन। ये है बेबो के टॉयज की पूरी बास्केट, जिसके अंदर से बेबो टॉयज नहीं निकाल सकती। तो मैं इसका जुगाड़ बनाऊंगी कि इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा क्या कर से करूँ। ये मेरा प्यारा सा मंदिर है। तो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, ये मेरा टोस्ट जो बेबो की वजह से जल गया, ये मेरी चाय बन गई है। अब मैं पीऊंगी बैठ के चाय और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ आके। तो गाइस मेरी चाय बन गई है, अब मैं बैठ के पीती हूँ चाय, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ बेबो के प्यार प्यारे ड्रामे। अभी वो बाहर है और वो बहुत सारे ड्रामे कर रही है बाहर भी, मतलब बिना मतलब भोगती रहेगी, कुछ भी काम नहीं है उसको, पूरा दिन मस्ती चाहिए, खाती पीती कुछ नहीं है। फिर देखिए आ गई अंदर। सर ए बेबो रानी ये देखो, अब ये इसको मैंने बोन दी है तो ये बाहर से उठा के आई है, उसको अंदर रख दिया है और ये बस अब अंदर ही रखी रहेगी, कुछ खाना पीना इसको नहीं होता। अरे अरे बेटू पानी खत्म हो गया है, आज मम्मा ने रात को भर दिया था पानी, पता है बेबो के लिए स्पेशल कि बेबो पानी पिएगी। बेबो
चलो वापस बैठ जाओ। तो मैंने अपना बेड साफ कर लिया है, पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। मेरे को ना ये बताओ आप लोग, जो ये मैंने ये टेबल ये साइड में रखा है, ये कैसा लग रहा है? अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं सेम टेबल इस साइड के लिए भी मंगाऊंगी। बाकी मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मुझे बताना, तो मैं सेम टेबल उस साइड के लिए मंगाऊंगी। तो अब मेरा बेड हो गया नीट एंड क्लीन, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के करूंगी काम। क्योंकि गाइस ये जो मेरी स्टडी टेबल है ना, ये मतलब बिल्कुल बेकार है, इस पर बैठ के काम कंफर्टेबली नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टडी टेबल का ऑर्डर दे रखा है, फिर वो आएगी तो मैं आराम से कंफर्टेबल होके स्टडी टेबल पे बैठ के, मतलब चेयर पे बैठ के, स्टडी टेबल पे नहीं, स्टडी टेबल पे काम करूंगी। तो अभी ये मेरा लैपटॉप है तो मैं इसको बेड पे रखूंगी और इसके बाद मैं अब शुरू करूंगी काम। कंटिन्यू 2 घंटे तक काम चलेगा, फिर उसके बाद मैं बेबो के साथ खेलूंगी। अभी बेबो सिर्फ भौंकने में लगी हुई है, उसको पता नहीं क्या दिखा है। और यहाँ पे बैठती है हमारी बेबो रानी। वो क्या है कि मतलब पहले तो वो अपने घर में, उसका छोटा सा बेबो होम है यहाँ पे, वो वहाँ पे बैठती थी, बट अब वो यहाँ बीन बैग पे बैठने लगी क्योंकि उसको आदत हो गया। और वो बेबो होम जो उसका छोटा सा हट टाइप है, वो मैंने दे दिया ड्राई क्लीन पे, वो ड्राई क्लीन होके आएगा तो फिर हम उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैंने ना पंखा बंद कर दिया है, तो यहाँ बेबो कहने आई है कि मम्मा पंखा चलाओ। है फैन चला दूं? आ जाओ ऊपर, आओ फिर आओगे ऊपर, आओ आ जाओ, आओ ऊपर, नहीं है ना, पंखा चला दूं। चल चला दिया, कर दिया फैन ऑन कर दिया। चलो सुझाओ नहीं निकलो। देखा गाइस, फैन चलवाने के लिए आई थी लड़की और आराम से जाके बैठ गई है, फैन चल गया। तो मटोरी छो जाओ, नहीं निकलो, निकलो, मैं काम कर लूँ, फिर खेली खेली करेंगे। आज मैं बेबो को घुमाने भी ले जाऊंगी बाहर, ठीक है? बेबो आ गई है काम के बीच में बेड पे। ओ गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे हो क्या तुम? बेबो जा रही हूँ, तू भी जाएगी? चलेगी तू? चलेगी कहाँ? चलेगी चलेगी, घूमी घूमी जाएंगे, घूमी 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 घूमी। अब ये बता मेरे को, तू ये काम के बीच में यहाँ पे आके जो मस्ती कर रही है, तो ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? ये तू क्या कर रही है? सुन बेबो, बेबो सुन, सुन तो सही। अच्छा तूने आज सबको हेलो बोलो, व्लॉग में हेलो बोला तूने किसी को? बस लड़ाई झगड़ा, पूरा दिन लड़ाई झगड़ा चाहिए इस लड़की को। ये देखो गाइस, मैं आ गई हूँ दुकान पे अपने बेबो को घुमाने के लिए। और ये राहुल, ये मेरा दोस्त है, भाई बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो हम मिलने आए हैं, इसी से ही मिलने आई हूँ मैं स्पेशल। तो आज मैंने सोचा इसको भी मैं ब्लॉग में ले लेती हूँ। बेबो हो जाती है बाहर आके बहुत ज्यादा खुश और भाव भी नहीं देती है किसी को भी। बेबो, बेबो घर चलना है? नहीं चलना। गाइस ये है दुकान, कैसी लग रही है बताना। और किसी को कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे आना जरूर, डिस्काउंट दिलाऊंगी मैं बहुत अच्छा। अंश कम्युनिकेशन सर्विसेज, एड्रेस मैं डाल दूंगी इसी की वीडियो में। बेबो अब घर जाने का मन चल रहा है बेबो का, बेबो इतना ही घूम सकती है बस, या तो 1 घंटा घूम लेगी और उसके बाद इसको लग जाएगी घर जाने की। अभी ये कह रही है कि बस मम्मा घर चल रहे यहाँ से। मैं आज दुकान पे ना बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो मैंने मुझे 2 अडेप्टर चाहिए थे, तो मैंने 2 अडेप्टर ले लिए। और मेरे ना बेड के पास कोई स्विच नहीं है, तो मुझे पावर बैंक चाहिए था, तो गाइस मैंने पावर बैंक भी ले लिया। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा पावर बैंक लिया है। पापा मुझे ना पावर बैंक नहीं दे रहे थे, तो लेकिन मैंने जिद पे अड़ के पावर बैंक ले लिया है। तो ये मेरा न्यू पावर बैंक आखिरकार मुझे मिल गया, मुझे बहुत टाइम से पावर बैंक चाहिए था, बहुत
ड्रामा होगा। पावर बैंक जब जाके मिला और ये मैं दो अडेप्टर ले आई, क्योंकि गाइस ये ना मेरी वॉच जो है ना ये पूरे 3 महीने से स्विच ऑफ पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि मेरे पास जो अडेप्टर था वो खो गया और मैं बहुत टाइम से दुकान पर नहीं गई थी। तो आज मैंने जिस पर्पज से व्लॉग बनाया था ना गाइज, वो तो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बेबो की प्यारी प्यारी आपको हरकतें मैं नहीं दिखा पाई, तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ गया दुकान पे किसी काम से। तो मैं गई तो फिर मैं पावर बैंक और अडेप्टर भी ले आई, और बेबो ने दुकान पे तो बहुत मस्ती की बट मैं उसको शूट ज़्यादा नहीं कर पाई। और ये अब यहाँ पर थक चुकी है, ये चली सोने, अब इसके अंदर और हिम्मत नहीं है बातचीत करने की। देखिए ये कैसे सो रही है, क्योंकि ये बहुत घूमी है और हम ना काफ़ी टाइम बाद दुकान पे गए हैं इतने घंटों के लिए, तो इसको काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है और इसीलिए अब ये सोएगी। मतलब पावर बैंक लाई हूँ तो ये इसके अंदर भी बैटरी नहीं है। आज मेरे को पावर बैंक की ज़रूरत थी और ये बिना बैटरी का पावर बैंक आ गया मेरे पास। आज ना गाइस मैंने खाए बर्गर, पेरी पेरी फ्राइज। गाइस पेरी पेरी फ्राइज तो मैंने क्या ही खाए हैं, मतलब मैं पूरा नहीं खा पाई और अभी भी पेरी पेरी फ्राइज बच गए हैं इसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लेटे लेटे खाती रहूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी, कुछ नहीं मिलने का मेरे को बहुत चलता है। तो गाइज अभी जो भी मतलब जैसा भी था, जो भी व्लॉग था, आपको जैसा भी लगा हो तो आप बताना मुझे ज़रूर, और इसमें मुझे क्या और ऐड करना चाहिए व्लॉग में ये भी बताना, ताकि मैं और भी अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि गाइज फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे बनाना भी नहीं आता, आप पता नहीं आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो गाइज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर बुरा लगे तो आप देख सकते हो कैसा करना है क्या करना है। तो गाइज अब मैं भी चलती हूँ सोने, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद दुकान पे गई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।